हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। सो एक्यूरेसी वी कैन डिफाइन एट द एक्यूरेसी मे बी डिफाइन एज द क्लोजनेस ऑफ द मेजर और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डेटा टू इट्स ओरिजिनल डेटा। सो व्हाट आर द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा, it actually defined under the accuracy। हम लोग एक सिंपल से एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। मैंने एक कंपाउंड लिया जो 10 ग्राम है, उसको मैं क्या करता हूं, वे करता हूं दो अलग अलग डिफरेंट मेथड से। जस्ट आई एम वेइंग द टू डिफरेंट मेथड। सो सम डेटा आर ऑब्टेन इन अ वेइंग ऑफ अ 10 ग्राम ऑफ द ड्रग बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द वेइंग मेथड। सो टू वेइंग मेथड्स अलग अलग मैं यूज कर रहा हूं। ये एग्जाम्पल्स मैं कोट करूंगा फॉर द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में हम क्या बता रहे हैं कि एक्यूरेसी जो होता है ये क्लोजनेस होता है मेजर्ड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का उसके एक्चुअल वैल्यू से या ओरिजिनल वैल्यू से। ओके, तो मैंने 10 ग्राम कंपाउंड है हमारा, डिफरेंट डिफरेंट मेथड के थ्रू मैं उसको वे कर रहा हूं। मेथड ए के थ्रू वे करने पे इसका वेट आता है, आई हैव रिपीटेड इट, आई एम रिपीटिंग फोर टाइम्स, 8.6, 8.6, 9, 9.2 मेथड ए के थ्रू। मेथड बी के थ्रू इट विल कम्स नियर अबाउट 9.6, 9.5, 9.9 एंड 10.1। सो दीज आर द वेइंग किया मैंने 10 ग्राम सब्सटेंस को, दीज आर द टू डिफरेंट पर्टिकुलरली मेथड थ्रू विच वी आर I am taking the weight of the 10 gram of the drug। तो मैं क्या बोला, ये जो हो गया ये measured value हो गया, ये experimental value, दो अलग अलग experimental और measured value हम लोग बोले। जो original है हमको पता है कि 10 gram है। अब आप इसमें देखिए, ये जो है 8.6, 8.6, 9, 9.2 और ये जो 9.5, 9.5, 9.9, 10.1। अगर हम इसका average निकालेंगे तो इट इज नियर अबाउट 9.75 इसका एवरेज आएगा फोर को इन मेथड बी के थ्रू। सो 9.75 नियर अबाउट है। और जब आप इसका एवरेज निकालेंगे 8.6, 8.699, सो इसका एवरेज निकालेंगे तो ये नियर अबाउट 8.85 आएगा। सो एवरेज निकालता हूं मैं, इनका एवरेज जो है मैंने बोला 8.85 के नियर अबाउट आएगा और ये इसका एवरेज आएगा 9.75। सो विच वन इज अ क्लोजर फ्रॉम द टेक, बिकॉज द सब्सटेंस है जो हमारा ओरिजिनल कंपाउंड है उसका वेट दिस, इट इज अ विच वन इज अ क्लोजर टू द टेक। सो 9.75 इज अ मच मोर क्लोजर टू द टेक। सो 10 ग्राम के ये ज्यादा क्लोजर है, 10 ग्राम के ये नियर अबाउट है। सो मेथड बी, वी कैन से मेथड बी इज द मोर एक्यूरेट कंपैरेटिवली द मेथड ए। मेथड ए में जो क्लोजनेस है रिजल्ट का ओरिजिनल डेटा की से क्लोजनेस है, सो मेजर आ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का, वो मेथड बी में ज्यादा है कंपैरेटिवली मेथड ए। तो अब हम इसके डेफिनेशन को प्रॉपर देखें तो समझ में आएगा। सो एक्यूरेसी मे बी डिफाइंड एज द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड और एक्सपेरिमेंटल, ये मेजर्ड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है डेटा है टू इट्स ओरिजिनल डेटा। सो मेजर्ड और एक्सपेरिमेंटल डेटा टू इट्स ओरिजिनल डेटा, तो ओरिजिनल डेटा की क्लोजनेस जो होगा, क्लोजर जो होगा, इट इज एक्यूरेट, इट इज एक्यूरेसी। सो इट इज अ 9.75 मेथड बी इज अ मच मोर एक्यूरेट कंपैरेटिवली द मेथड ए। क्लियर। नेक्स्ट इज द प्रिसिशन। सो प्रिसिशन इज अ precise value, precision means the precise value, so it is a refers to the level of measurement and the exactness to the database. So exactness or level of actually it is a precise value, actually precision means the precise value we can say. So its precision is also defined, also called the reproducibility or repeatability as well, repeatability। आप इसमें देखें method A, इसमें मैंने दिया है 8.6, 8.6, 9, 9.2,
8.6 is a two times repeated है. So repeatability is a repeatability. Repeat हो रहा है, data जो है repeat हो रहा है. हाँ, ये closure नहीं है आपका actual value के, but the precision is the precise. The precise means the precision is also related from the repeatability and reproducibility. Reproduce होना data का. अगर आपने मान लीजिए कि method A में फिर से दोबारा से next value लिया और ये near about 8.6 आ रहा है या 9.2 है, so reproducibility आ जाने की. So method B जो है इसमें देखिए reproducibility या repeatability नहीं है. So it is not a much more method B is the less precise comparatively the method. So what is the precision? Precision refers to the level of measurement and exactness of the database. So the data are the exact and they are repeating form of the data are coming, then they are the precise actually, precision we can say. Precision. So accuracy indicates the proximity of the true value, while the precision is actually the repeatability or reproducibility of the measurement are generally defined by the precision. अगर मैं थोड़ा सा एक बार इसको एग्जांपल को थोड़ा प्रॉपर एक्सप्लेन करूं, ये हमारा मेथड ए से 10 ग्राम का एक ड्रग था जिसको हम लोगों ने मेथड ए और मेथड बी के थ्रू मेजरमेंट किया था. और मेजरमेंट करने के बाद हमने क्या देखा, ये दो अलग अलग डेटा मिला. इसका जब हम लोगों ने मेजर किया 8.6 9 9.2, तो हम देखिए 8.6 एंड 8.6 आर टू टाइम रिपीटेड है. ओके, not these two are the different, but it is a repeatability are. So repeatability means the precision are there. It is a much precise comparatively. Isme repeatability nahi hai, data is se काफी distanceable, 9.5 9.6 9.9 10.1. so precision means to the repeatability or reproducibility of the measurement, and the accuracy indicate the proximity of the true value. Okay, so these two things are the very proper, I think you understand by this example. Thank you.